डिकस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट सी इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विदीड यू एट एन एंगल थीट विदिजोटल फाइनड द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वन द पार्टिकल इज एट द हाइएस्ट पॉइंट फाइन सो इस तरह से हमारे पास एक पार्टिकल ऑफ मास एम जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीट विद दरिजोंटल विदिशियल स्पीड यू सो दै ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा समथिंग लाइक दिस और हाइएस्ट पॉइंट पे जो इसका वेट लगेगा दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड राइट तो हमें इस वेट का टॉर्क बताना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओ राइट सो व्हाट इज टॉर्क टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज आर क्रॉस एफ राइट सो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको बतानी है देन यू हैव टू टेल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा तो हम नहीं ले सकते बिकॉज थीटा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है सो लेट्स डिफाइन सम न्यू वेरिएबल से अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है एंगल बिटवीन आर एंड एफ पोजिशन वैक्टर और एफ़ के बीच में जो एंगल है सो so एफ़ का वैल्यू तो हमें पता है फोर्स कितना है एम जी राइट नाव बात करते हैं आर इंटू साइन अल्फ़ा की आर साइन अल्फा ये क्या होता है अगर आप पहले आपको पता है दैट आर साइन अल्फा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द टॉर्क मीन्स जैसे हम टॉर्क निकाल रहे हैं पॉइंट के अबाउट राइट और किसका निकाल रहे हैं एम जी का सो एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एम जी अब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट आर बाई टू आर इज़ द रेंज सो हाइएस्ट पॉइंट पर जब होगा तो रेंज कितना हो जाएगा आधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है ना तो आर बाई टू राइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया सो आर साइन अल्फा इज नथिंग बट आर बाई टू और आर कितना है रेंज दैट इज़ यूज कर साइन टू ठीटा डिवाइडेड बाई जी सो इसका वैल्यू आप पुट कर देना सो so एम को मल्टीप्लाई कर दो आर बाई टू से सो एम जी इन टू आर का वैल्यू हो गया यूज़ कर साइन टू ठीठा डिवाइडेड बाई जी और आर बाई टू है तो यहाँ पे एक टू आ जाएगा सो दिस दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉक राइट अगर आपको इस तरह से नहीं करना सो so एक काम करो आप आर डिफाइन कर लो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर नाउ सो दैट यू कैन यू नो सी इट आप देखो मैं क्या करता हूँ आर डिफाइन कर लेता हूँ आर क्या होगा पोजिशन वैक्टर राइट सो पॉइंट ओ से हाइस्ट पॉइंट पे इस तरह से ये हो गया आपका आर नाउ अल्फा क्या होगा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड और ये आर है ये आर वैक्टर है सो so इनके बीच में एंगल डिफाइन कर लो दैट इज योअर अल्फा राइट सो ये एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा वन माइनस अल्फा राइट सो आप देखो ये तो आर का मैग्नीट्यूड है ये वाला ट्रैंगल देखो ये वाला ट्रैंगल राइट एंगल ट्राएंगल राइट सो आप देखो 180 एटी माइनस अल्फा सो ये साइड कितनी हो जाएगी आर का कॉस ऑफ अल्फा वॉस माइनस अल्फा दैट इज माइनस कॉस ये माइनस आर इंटू कॉस अल्फा हो गया ये वाली आर का साइन अल्फा है ना सो so आर का साइन अल्फा क्या है ये R 2, जैसे हमने पहले कहा था सो एनी दोनों तरह से हमने बता दिया कि दैट इज नाई टू अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की सो so डायरेक्शन किस तरह से देखना है आर क्रॉस एफ सो आर की तरफ जाओ अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को आर की तरफ रखो और एफ की तरफ कर्व करो सो परपेंडिकुलर टू दिस पेज एंड पीछे की तरफ जा रहा है बैकवर्ड मीन्स अगर मैं डिनोशंस के टर्म में बात बात करूँ सो दैट विल बी क्रॉस क्रॉस में है ना सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टोड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूज वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय